वेलकम बैक ह्यूमंस। CSS के ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं कि स्टाइल शीट की मदद से टेबल को हम कैसे एक बेटर लुक दे सके, आउटपुट के अंदर हमें बेटर दिखाई दे, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो ह्यूमंस, हम हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल डिफाइन किया है जहाँ पर मेरी हेडिंग है सीरियल नंबर H1, H2, H3, H4 और फिर रो वाइज मैंने डेटा को एंट्री किया हुआ है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है मेरी, ये थर्ड है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, पांच रो को हमने एंटर किया है। तो हम इसका पहले आउटपुट देखते हैं। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इन जनरली अगर टेबल को मैं सिर्फ HTML के थ्रू लिखूँगा, कुछ इस तरह से मैं टेबल को लिखूँगा, तो सिर्फ ये मेरा टेबल जो होगा, जैसे कि हमने आगे कई बार बोला कि HTML सिर्फ हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है, तो उसी तरह से ये टेबल को सिर्फ स्ट्रक्चर देगा। जैसा हम आउटपुट में देख सकते हैं, हमें सिर्फ टेबल का ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट यहाँ पर अगर आप ये डेटा रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। इन शॉर्ट, अगर मैं कहूँ कि हम HTML के थ्रू सिर्फ टेबल तो डिफाइन कर लेंगे, बट इसको जो हमें टेबल को बॉर्डर देना होता है, फिर कोई डिज़ाइन अच्छी देनी है, लुक उसका बहुत अच्छा बनाना है, तो वो हम HTML के थ्रू नहीं कर सकते। उसके लिए हमें CSS की ज़रूरत होगी। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं। ये जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसको हम एक अच्छा लुक देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टेबल को एक बॉर्डर देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने कमेंट करके बॉर्डर लिख दिया है और मैं टेबल को ये बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ सॉलिड वाली। तो आप देख सकते हैं, मुझे जो बॉर्डर मिल रही वो सिर्फ मेरा जो टेबल का जो लास्ट, मतलब कि जो आउटर साइड है, वहीं पर ही मुझे बॉर्डर मिल रही है, बट मुझे यहाँ पर अंदर कॉलम वाइज या रो वाइज कोई बॉर्डर नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली टेबल के साथ TD को लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं, मेरे जितना डेटा था उन सभी को एक सेपरेट अलग से बॉर्डर मिल चुकी है, और ऊपर का जो मेरा हेडिंग है उसको बॉर्डर नहीं मिले, तो हम उसको देने के लिए भी सेम ही चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पर TD के साथ TH यानी कि जो हमारा हेडिंग पार्ट है उसको भी सॉलिड बॉर्डर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, हमारे पूरे टेबल को बॉर्डर मिल रही है, बट ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि ये हर एक डेटा को सेपरेटली बॉर्डर दे रहा है। हमें तो सिर्फ इस तरह से जो हम जनरल टेबल्स देखते हैं जिसके अंदर ये सेपरेटली बॉर्डर्स नहीं होती है, तो उसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी नहीं आज जानने वाले हैं। तो बॉर्डर को सेपरेट ना होके एक सिंगल सिंगल बॉर्डर करने के लिए हमें यहाँ पर पहले हम टेबल डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हम बॉर्डर कोलैप्स करके एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कोलैप्स एंड सेपरेट। बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट होता है, तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने देख लिया सेपरेट वाला, अब हम कोलैप्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो मेरा पहले का आउटपुट था और अभी के आउटपुट के अंदर मुझे जो वो सेपरेट बॉर्डर मिल रही थी, उसके बदले एक सिंगल बॉर्डर के अंदर सभी के सभी आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज करके, जैसे कि आप यहाँ पर डैश बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, आपको बेटर से बेटर लुक मिले, इसके लिए आप जितने भी स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टाइल के अंदर हमें डैश बॉर्डर मिलती है, फिर डॉटेड मिलती है, फिर सॉलिड है, डबल भी हो गया, तो उस तरह से आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाते हैं जिसके अंदर मैं डबल का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर जो मैंने TD, TH और टेबल तीनों को साथ में डिफाइन किया है, उसके बदले मैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर TH के अंदर मैं बॉर्डर स्टाइल कुछ इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, और TD के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रखते हैं। अब हम देखते हैं हमें क्या डिफरेंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं,
मेरी जो हेडिंग वाली लाइन है उसके नीचे मैंने डबल वाली बॉर्डर को क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से मैं अपने टेबल का लुक बेटर टू बेटर कर सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो मैं डेटा एंटर किया है D11, D12, D13, तो यहाँ पर मुझे स्पेस इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, मतलब कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर है वो मुझे एक साइड में मिल रहे हैं और स्पेस कुछ ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो इन सभी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्पेस देने के लिए पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो मैं अपने TD के अंदर पैडिंग को डिफाइन करूँगा 10 पिक्सल जितना, जिससे हमारे कंटेंट को थोड़ी सी जगह मिल सके। तो अब आप देख सकते हैं मेरा टेबल कुछ अच्छे से मुझे दिख रहा है। यहाँ पर हेडिंग के लिए भी सेम टू सेम अप्लाई कर देते हैं हम। ये हमारा हेडिंग का है, तो यहाँ पर हम पैडिंग देते हैं 15 पिक्सल। अब हमें हमारा टेबल कुछ अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो है वो एक साइड आ चुके हैं, तो हमें उसको सेंटर करना होगा। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर टेक्स अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। हम ये सारी प्रॉपर्टीज आगे के वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं हम उसके बारे में पता चल सके कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा पूरा जो भी था वो सब सेंटर में आ चुका है और एकदम अच्छे से मुझे मेरा टेबल मिल रहा है। ये सारी बात तो हमने स्ट्रक्चर के लिए कर ली कि हमारे टेबल को किस तरह से हमारा टेबल स्ट्रक्चर में क्रिएट होगा, बट वो दिखने के लिए किस तरह से हाईलाइट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम कलर के थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम टेबल को कलर अप्लाई करेंगे। मोस्टली कलर के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर को। तो यहाँ पर मैं TD के अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा। हम ये लाइट कोरल वाला कलर यूज़ करते हैं और सेव करके आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह से हमारा कलर मिल रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बाकी है, वो है यहाँ पर हमने हेडर को कलर दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम हेडर को कलर देते हैं। तो हेडर को कलर देने के लिए सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू हम ये ग्रीन वाला रखते हैं। तो अब आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारा टेबल कुछ हमें अच्छे से कलरफुल दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो आप ये बॉर्डर की कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको टेबल अच्छे से दिखेगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़े चेंजेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन सभी को एक क्लास डिफाइन करूँगा, क्लास इक्वल्स टू डेटा करके एक क्लास को डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं इस डेटा क्लास को थोड़ी स्टाइल दूंगा। तो यहाँ पर मैं डेटा डिफाइन करूँगा, के बाद उसके अंदर मैं बॉर्डर स्टाइल डैश एंड सॉलिड। अब हम देखते हैं आउटपुट में, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, हम सभी को डैश दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हिसाब से सिर्फ इतने में चेंजेस किया। तो इतने को चेंजेस करने के लिए मुझे क्या करने का, सबसे पहले तो मुझे इन सभी को एक कॉमन क्लास के अंदर रखना होगा, जो मैंने डेटा करके एक कॉमन क्लास रखा उसके अंदर रखा, और फिर उसको मैंने बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड की डैश। तो यू मीन्स आज के वीडियो के अंदर हमें टेबल को स्टाइल देख कर किस तरह से उसका लुक बहुत अच्छा लगे, हमें कुछ टेबल है उस तरह से दिखे, तो वो हमें आज के वीडियो के अंदर जानना था। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को। अगर आप हमारी चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।